दोस्त का जन्मदिन आने वाला है या शायद कोई विशेष अवसर और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या उपहार दें। ऐसे समय ही आर्टिस्टिक डिजिटाइजर वाला उषा स्काईलाइन S9 काम आता है। यह एक सिंगल हाईटेक मशीन सटीक सिलाई, कढ़ाई और अंतहीन रचनात्मक संभावनाएं प्रदान करती है। तो यदि आपके पास कोई फोटो है जिसे आप कपड़े पर बनाना चाहते हैं, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए है। आइए फोटो स्टिच करना सीखें। आपको आवश्यकता होगी एक लैपटॉप या कंप्यूटर, आर्टिस्टिक डिजिटाइजर सॉफ्टवेयर फुल वर्जन, हुप से 2 इंच बड़ा प्लेन कपड़ा, पेपर फ्यूजिंग, एक फोटो जिसे आप बनाना चाहते हैं, RE20A हुप, रेशम के धागे, उषा जिनोमी मेमोरी क्राफ्ट स्काईलाइन S9 सिलाई मशीन का पूरा उपयोग करने के लिए आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप की आवश्यकता होगी जिसमें आर्टिस्टिक डिजिटाइजर सॉफ्टवेयर का फुल वर्जन इंस्टॉल हो। सॉफ्टवेयर को खरीदने और इंस्टॉल करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.ushasu.com वेबसाइट पर लॉग ऑन करें। लैपटॉप पर आर्टिस्टिक डिजिटाइजर सॉफ्टवेयर चलाएं। क्रिएट न्यू आइकन पर क्लिक करें। पूरा हुप देखने के लिए जूम आउट करें। टूल बार पर मशीन के नाम पर क्लिक करें। सभी मशीनों के नाम और उसके मुताबिक हुप के साइज का एक पॉपअप दिखाई देगा। इस प्रोजेक्ट के लिए हम उषा जिनोमी मेमोरी क्राफ्ट स्काईलाइन S9 का उपयोग कर रहे हैं। इसे ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर लें। हम जिस हुप का उपयोग कर रहे हैं वह RE20A 170mm x 200mm है, जिसको हमने पहले से ही सिलेक्ट कर लिया है। ओपन पर क्लिक करें और उस फोटो को सिलेक्ट करें जिसे आप कपड़े पर बनाना चाहते हैं। ओपन पर क्लिक करें। लोड इमेज का पॉपअप उन सभी विभिन्न विकल्पों के साथ खुलेगा जिन पर आप काम कर सकते हैं। फोटो की क्रॉपिंग को दिखाए अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है। इस फोटो को बैकड्रॉप, क्रॉस स्टिच, फोटो स्टिच या पेंट स्टिच के रूप में खोला जा सकता है। हम अपने प्रोजेक्ट के लिए फोटो स्टिच को सिलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ने के लिए ओके दबाएं। पहले हम गामा करेक्शन को 1 से 0.8 पर एडजस्ट करेंगे। यह टांके को कुछ गहराई देगा। आप अपनी पसंद के अनुसार टांके की मोटाई और चौड़ाई को भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम फोटो पर एक बॉर्डर बनाएंगे। इसके लिए फोटो के किनारे पर क्लिक करें और दाईं तरफ प्रॉपर्टीज के अंदर आउटलाइन टैब को सिलेक्ट करें। ये करने के बाद सैटिन सीरियल को सिलेक्ट करें और आउटलाइन की चौड़ाई को 1 mm पर एडजस्ट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फोटो पर अब 1 mm का बॉर्डर है। आइए अब बॉर्डर का आउटलाइन बनाएं। बॉर्डर पर क्लिक करें और आउटलाइन की चौड़ाई को 3 mm पर एडजस्ट करें। बस इतना ही। इसे अब अपनी उषा जिनोमी मेमोरी क्राफ्ट स्काईलाइन S9 मशीन पर ले जाएं। यह मशीन वाईफाई प्रमाणित है। सुनिश्चित करें कि मशीन कढ़ाई मोड पर सेट हो। सिलाई मशीन पर सेटिंग आइकन पर क्लिक करें और वाईफाई टैब को सिलेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि वाईफाई चालू हो। स्क्रीन के नीचे सेटिंग्स पर क्लिक करें। इसके बाद सर्च पर क्लिक करें। आप सभी उपलब्ध वाईफाई कनेक्शन देखेंगे। अपना वाईफाई कनेक्शन चुनें और वाईफाई पासवर्ड डालें। ये करने के बाद ओके सेलेक्ट करें और अब आपकी मशीन वाईफाई से कनेक्ट हो गई है। हम वापस कंप्यूटर पर जाएंगे। स्काईलाइन S9 पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेनू से वाईफाई द्वारा सेलेक्ट करें। पहले बिल्ट इन फोल्डर और उसके बाद EMBF फोल्डर सिलेक्ट करें और सेंड पर क्लिक करें। फोटो अब मशीन पर भेज दी गई है। अब लैपटॉप को दूर रख सकते हैं और आइए अब हुप पर काम करें। RE20A कढ़ाई हुप लें।
इसे अनलॉक करें और अंदर के हुप को हटा दें। अब कपड़े को बाहरी हुप पर रखें और इसके बाद अंदर के हुप पर। हम जिस कपड़े का उपयोग कर रहे हैं उसे समय बचाने के लिए पहले से फ्यूज किया गया है। कपड़े को सही से फैलाएं ताकि कोई क्रीज न रहे और फोटो अच्छे से छपे। हुप को लॉक करें और इसे वीडियो में दिखाए अनुसार मैग्नेटिक क्लैंप से सही जगह फिक्स कर दें। हुप को मशीन पर रखकर लॉक कर दें। डिस्प्ले पर फोल्डर आइकन को सिलेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि आप इनबिल्ट डिजाइन टैब में हो। एरो पर क्लिक करें और अब आप अपने सेव किए गए डिजाइन को देख सकते हैं। इसे सिलेक्ट करें। हुप के साइज की पुष्टि के लिए एक पॉपअप दिखाई देगा। पुष्टि करने के लिए ओके पर क्लिक करें। आइए अब डिस्प्ले को समझते हैं। यह हुप का साइज है, यह कढ़ाई का साइज है, यह मशीन की गति है। इसके अनुसार हम 5 रंगों का उपयोग करेंगे और पूरी प्रक्रिया में दिखाए अनुसार 66 मिनट लगेंगे, जो यहाँ दिखाए गए हैं। मशीन ने इस प्रोजेक्ट के लिए धागे के रंगों को सुझाया है। यहाँ वे सभी रंग हैं जिनकी हमें फोटो स्टिच में आवश्यकता होगी। आइए पहले रंग से शुरू करें, जो गुलाबी धागा है। मशीन को लॉक करें। मशीन में दिखाए अनुसार धागा लगाएं। धागा लगाने के बाद मशीन को अनलॉक कर दें। स्टार्ट का बटन दबाएं और मशीन को अपना काम करने दें। उषा जनोमी मेमोरी क्राफ्ट मशीनें सुंदर डिजाइन बनाने में मदद करती हैं और वह भी बहुत आसानी से। मशीन के डिस्प्ले पर टांके की प्रगति को आसानी से देखा जा सकता है। टांके का पहला सेट पूरा हो जाने पर मशीन अपने आप रुक जाएगी। स्क्रीन पर अगला रंग आएगा। अब मशीन में नीला धागा लगाएं और फिर से स्टार्ट बटन दबाएं और आराम से बैठ जाएं। डिस्प्ले के अनुसार धागे बदलते रहें और प्रोसेस जारी रखें। फोटो स्टिच के लिए आखिरी धागा काले रंग का होगा। हम इसी धागे का उपयोग आउटलाइन बॉर्डर बनाने के लिए करेंगे, जिसे हमने सॉफ्टवेयर पर सिलेक्ट किया था। स्टार्ट का बटन दबाएं और मशीन अब बॉर्डर बनाएगी। और ये हो गया। क्या यह बहुत अद्भुत नहीं लग रहा?
यह निश्चित रूप से आपके उपहार को सबसे अलग बना देगा। उषा स्काईलाइन S9 और आर्टिस्टिक डिजिटाइजर सॉफ्टवेयर के फुल वर्जन से कढ़ाई करने की कोई सीमा नहीं है। पेशेवर शैली की कढ़ाई इतनी आसान कभी नहीं थी।